हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ साउथ कोरियन मूवी ल्यूसिड ड्रीम्स को। सो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले कुछ बातें ज़रूरी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ल्यूसिड ड्रीम्स का मतलब होता है वो सपने जिसमें ड्रीमर को पहले से पता होता है कि वो सपने देख रहा है और उसमें होने वाले इवेंट्स पे उसका कंट्रोल होता है। बोले तो ल्यूसिड ड्रीम्स वो सपने होते हैं जिसमें हम अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं। कह सकते हैं कि मूवी 2010 रिलीज्ड हॉलीवुड मूवी इंसेप्शन से इंस्पायर्ड है, बट नो वरीज, दोनों मूवीज़ की स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट है। स्पॉइलर वार्निंग के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप एक साइंस फिक्शन मूवी फैन हो तो इस वीडियो को देख के आप अपना मजा खराब ना करें और जाके मूवी को, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, उसे वहां जाके देख लें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कहानी फोकस्ड है देहो के अराउंड। देहो असल में एक फियरलेस जर्नलिस्ट और सिंगल फादर है। अपने करियर में एम्बिशियस होने की वजह से उसने बहुत सारे करप्टेड बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस की जिंदगी बर्बाद की होती है। मतलब कि जर्नलिस्ट भाई साहब के एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे जानी दुश्मन होते हैं। एक दिन देहो के बेटे को कोई किडनैप कर लेता है और ये सारे इंसिडेंट के हैपनिंग एक अम्यूजमेंट पार्क में हुई होती है। देहो इससे पहले कि किडनैपर का चेहरा देख पाता, कोई उसे निडल से बेहोश कर देता है और कई दिन, कई महीने, कई साल बीत जाते हैं, लेकिन उस अपने बेटे का कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच देहो चुन चुन के उन सारे पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को अटैक करता है जिस किसी पे भी उसे शक होता है। एक्चुअली उसे लगता है मे बी किसी ने बदला लेने के फेर में उसके बेटे को किडनैप कर लिया हो, बट इतने सारे लोगों की तहकीकात करने के बावजूद भी उसे कोई क्लू नहीं मिल पाता। फिर वो अपना सारा गुस्सा डिटेक्टिव किम जो के ऊपर निकालता है, जो कि इस केस के सुपरवाइजर होते हैं। किम जो उसे विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ के रहूंगा। वेल, डिटेक्टिव की एक बेटी होती है जो कि अपेरेंटली किसी बड़ी बीमारी से जूझ रही होती है, तो किम जो एक बेटे को खोने का गम बखूबी समझता था। एक दिन इंटरनेट पे ऐसे ही ब्राउज करते समय देहो की नजर एक आर्टिकल पे जाती है जिसमें बताया गया होता है कि ल्यूसिड ड्रीम्स के जरिए कई बार चोर उच्चकों को पकड़ा गया है। तो और ज्यादा डिटेल में ढूंढने पे देहो को कॉन्टेक्ट पर्सन की लिस्ट में एक फिजिशियन का नंबर मिलता है जो कि ल्यूसिड ड्रीम प्रोजेक्ट की हेड ऑपरेटर होती है, और लकीली वो फिजिशियन उसकी पुरानी फ्रेंड निकलती है। सो बेसिकली ल्यूसिड ड्रीम का इस्तेमाल एक टाइप के रिलैक्सेशन थेरेपी के लिए किया जाता है। इस थेरेपी में मेंटल पेशेंट्स अपने स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कुछ अच्छी मेमोरीज को दोबारा जीते हैं ल्यूसिड ड्रीम्स के जरिए। तो इस पर्टिकुलर सेटअप को थोड़ा समझ लेते हैं। ल्यूसिड ड्रीम्स बेसिकली मेडिकल फील्ड में एक नई खोज है जिसके जरिए इंसान चाहे तो थोड़ा टाइम के लिए अपनी किसी मेमोरी को दोबारा जी सकता है। इतना ही नहीं, वो प्रैक्टिकुलर बंदा अपने उस ड्रीम में जो चाहे वो कर सकता है। इस ड्रीम में एंट्री लेने के बाद बाहर निकलने के लिए चाइम बेल को बजाना होता है जो कि ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट कर देगी और आप जाग जाओगे। सो देहो ल्यूसिड ड्रीम के जरिए अपनी उसी मेमोरी में एंट्री लेता है जब उसका बेटा किडनैप हुआ था। तो ड्रीम वर्ल्ड में उसका सामना एक ऐसे इंसान से होता है जो कि थोड़ा सस्पिशियस दिखता है, बट बाद में उसकी फ्रेंड से बताती है कि पर्टिकुलर बंदा बहुत से लोगों के ल्यूसिड ड्रीम में दिख चुका है। यानी कि पॉसिबिलिटी ये है कि बंदा दूसरे लोगों के ड्रीम को शेयर करता है। खैर, इन भाई साहब का इंट्रोडक्शन भी जल्दी होगा, फॉर नाउ सस्पेंस बरकरार रखना है। सो फर्स्ट चाइल्ड में देहो ने कुछ गलतियां की होती है। वो ये कि उसने अपनी मेमोरी के ओरिजिनल हैपनिंग्स में फेरबदल की होती है जिससे कि ओरिजिनली जो हैपनिंग होनी चाहिए थी वो ना होकर कुछ और ही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई सपना देखते हैं और अचानक से आपको पता चल जाए कि एक सपना है, तो आप उसे कंट्रोल करने लगते हो। फिर आगे जो भी कुछ होता है वो सब आपके दिमाग की इमेजिनेशन होती है। बट यहाँ पे केस अलग है। देहो एक्चुअली में एक सपने में नहीं, इंस्टेड वो एक मेमोरी में है। तो उसे बस किडनैपर का पता लगाने के लिए क्लू ढूंढना होता है, जो कि तभी पॉसिबल है अगर वो अपनी मेमोरी में कोई फेरबदल ना करे। इसके बाद देहो दोबारा से ड्रीम वर्ल्ड में एंटर होता है और ड्रीम में एक मोमेंट के बाद वो बेहोश होने लगता है। बट इस बार उसे एक क्लू मिल जाता है। एक्चुअली किडनैपर के हाथ में एक टैटू बना होता है जिसका हल्का सा ग्लिम्स उसे दिख जाता है। फिर नेक्स्ट डे ये टैटू और ल्यूसिड ड्रीम वाली बात देहो डिटेक्टिव किमजो को बताता है। पहले तो किमजो खुद पर्सनली ल्यूसिड ड्रीम को चेक करता है, उसके बाद टैटू की तहकीकात शुरू की जाती है। उधर देहो तीसरी बार ल्यूसिड ड्रीम में एंटर होता है और इस बार वो उस बंदे का चेहरा देख लेता है जिसने कि उसे बेहोश किया होता है। सो चेहरा देखने के बाद देहो उस बंदे का डिजिटल स्केच बनवाता है, बट उसकी किस्मत में मानो राहु केतु बैठा हुआ हो। ना ही टैटू और ना ही इस बंदे का, दोनों का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है। इसके बाद देहो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करता है जो कि असल में उसके पुराना दोस्त होता है। कभी सदियों पहले उसने उसकी हेल्प की होती है, इसलिए वो अब देहो के लिए कुछ भी कर सकता था। अल्टीमेटली प्राइवेट डिटेक्टिव की हेल्प से उस बंदे का पता चल जाता है। फिर क्या, देहो बिना समय गवाए उसे पकड़ लेता है।
पकड़े जाने पे वो बताता है कि उसके सेकंड पार्टनर जिसका नाम क्यंग वान चोई है उसने उसके बेटे को मार दिया है। और रही बात क्यंग वान चोई की तो वो एक कार एक्सीडेंट होने की वजह से पिछले 3 साल से कोमा में है। देहो को लेकिन अब भी यकीन रहता है कि हो ना हो उसका बेटा जिंदा है। नेक्स्ट डे खबर मिलती है कि प्रिजन सेल में ही उस बंदे ने सुसाइड कर लिया है। सो फॉर सिचुएशन कुछ इस प्रकार होती है कि एक किडनैपर कोमा में है और दूसरे किडनैपर ने सुसाइड कर लिया है। तो अब मुद्दे की बात ये होती है कि आखिर क्लू निकाले तो निकाले कहां से। डिटेक्टिव किम जो बताते हैं कि मे बी इस केस में कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है जो कि मोस्ट प्रोबेबली इनका बॉस है जो कि इतना खौफनाक है कि उसके डर से इसने सुसाइड कर लिया। अगले दिन देहो की मुलाकात चेयरमैन म्यंग चुल से होती है जो कि किसी जमाने में उसकी हिट लिस्ट में हुआ करते थे। यानी देहो ने उनके भी करप्शन का पर्दाफाश किया होता है। अपेरेंटली वो एक साइकेट्रिक पेशेंट है जो कि लूसिड ड्रीम्स के जरिए अपने मरे हुए बेटे को देखा करते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि उनका बेटा भी 3 साल पहले ही मरा होता है जब देहो का बेटा किडनैप हुआ होता है। सो कुछ ना कुछ तो लिंक है दोनों केसेस का। देहो को तो अपने कलीग से पता चलता है कि चेयरमैन मंग चुल के बेटे का 3 साल पहले एक्सीडेंट हो गया होता है और जो कि उसका रेयर ब्लड ग्रुप होता है इसलिए उस दौरान इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। सो यहाँ पे पिक्चर थोड़ी क्लियर होती है। एक्चुअली देहो के बेटे का ब्लड ग्रुप भी सेम रेयर कैटेगरी में आता है। सो मे बी उसका किडनैप इसलिए हुआ हो क्योंकि उसके बेटे को ब्लड यानी किसी ऑर्गन की जरूरत हो। खैर अगले दिन सुपरमार्केट में देहो की नजर एक ऐसे इंसान पे पड़ती है जिसे कि उसने अपनी फर्स्ट लूसिड ड्रीम में देखा था। हाँ भाई वही बंदा जो कि दूसरों की ड्रीम को भी शेयर कर सकता है। आगे देहो उसे कोपचे में ले जाके पूछताछ करता है। फिर वो देहो को बताता है कि उसका नाम यंग वान है और वो बचपन में ही हैंडीकैप हो गया था इसलिए लूसिड ड्रीम में उसे बहुत मजा आता है क्योंकि हैंडीकैप होने के बावजूद वो ड्रीम वर्ल्ड में सब कुछ कर सकता है। फिर धीरे धीरे वो दूसरों के ड्रीम भी शेयर करने लगता है क्योंकि अब उससे अपने सपने बोरिंग लगने लगते हैं। ड्रीम शेयरिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के ड्रीम में भी फुल कंट्रोल के साथ मूवमेंट कर सकता है। वेल इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हाल ही में रिलीज हुए ड्रामा मिस्टिक पॉप अप बार में भी हुआ है। अब रही बात ड्रीम शेयरिंग के पीछे मैकेनिज्म की तो यार समझ लो इस प्रोसेस में दोनों इंसान की ब्रेन फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए और यंग वान को ये सारी ब्रेन फ्रिक्वेंसीज का डाटा फीमेल फिजिशियन के पीसी से मिलता है जिसे कि उसने कुछ सालों पहले हैक कर लिया था। ड्रीम शेयरिंग के ऊपर इस मोनोलॉग के बाद देहो को एक और यूनिक आइडिया आता है। चूंकि यंग वान अभी फिलहाल कोमा में है तो ड्रीम शेयरिंग वाला तरीका उस पर आजमाया जा सकता है। यंग वान देखा जाए तो अच्छा इंसान ही होता है, बस उसे बिना पूछे किसी की ड्रीम में एंटर नहीं होना चाहिए क्योंकि भाई लोगों के कुछ प्राइवेट ड्रीम्स भी होते हैं। एनीवे ड्रीम शेयरिंग प्रोसेस में एक प्रॉब्लम होती है, अगर ड्रीम शेयरिंग के दौरान ड्रीम देखने वाला बंदा मर जाए तो ड्रीम शेयर करने वाला इंसान का भी ब्रेन डेड हो जाएगा। ड्रीम शेयरिंग से बाहर आने के लिए दोनों पर्सन के ब्रेन वेव्स को डिसइंटीग्रेट करना पड़ता है, मतलब नॉर्मल ल्यूसिड ड्रीम से ये वाला प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। फिर ड्रीम शेयरिंग के जरिए देहो क्यंग वान के ड्रीम में एंट्री लेता है। वहां उसे पता चलता है कि जब क्यंग वान का एक्सीडेंट हुआ था वहां पे एक और कार मौजूद थी जिसका प्लेट नंबर वो अपने दिमाग में फीड कर लेता है। नेक्स्ट ड्रीम सीक्वेंस में देहो देखता है कि दोनों किडनैपर बातें कर रहे हैं। ये मोमेंट किडनैपिंग डे से ठीक एक दिन पहले का होता है। देहो देखता है कि उनके पास एक नाम की लिस्ट है जिसमें सारे रेयर ब्लड ग्रुप वाले लोगों के नाम एनलिस्टेड है। मीनवाइल क्यंग वान अपने पार्टनर से बहस कर रहा होता है कि भाई हम लोग चोर उचक्के हैं, कोई मर्डरर नहीं, उनका काम बच्चे को बस किडनैप करना है, मारना नहीं। असल में क्यंग वान एक भला इंसान होता है इसलिए जब उसे पता चलता है कि किडनैपिंग के बाद उसे बच्चे को मार दिया जाएगा तो वो अपने पार्टनर से बहस करने लगता है। इसी दौरान देहो छुपके से जाके वो नामों की लिस्ट वाली पर्ची चुरा लेता है। अपेरेंटली इस लिस्ट को चेयरमैन म्यंग के कंप्यूटर से चुराया गया होता है जिनके बेटे की 3 साल पहले डेथ हो गई थी। आगे हमें पता चलता है कि चेयरमैन म्यंग ने ये रेयर ब्लड ग्रुप की लिस्ट बनवाई थी अपने बेटे की जान बचाने के लिए, बट उनका बेटा पहले ही मर जाता है। खैर देहो जल्दी जल्दी उस लिस्ट में लिखे सारे नाम मेमोराइज कर लेता है और फिर यंग वान की हेल्प से ड्रीम से बाहर आ जाता है। सो क्लू के नाम पे उसके पास नामों की लिस्ट और व्हीकल प्लेट नंबर होता है। फिर वो व्हीकल प्लेट नंबर प्राइवेट डिटेक्टिव को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दे देता है और फिर नामों की लिस्ट को एनालाइज करते समय उसे एक नाम हिट करता है जो कि एक लड़की का होता है। और जब वो उस पर्टिकुलर नाम को ट्रैक डाउन करते हुए उसका पते पे पहुंचता है तो उसे वहां पहुंच के बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। एक्चुअल में पर्टिकुलर लड़की डिटेक्टिव किम जो की बेटी होती है। उसी दौरान उसे प्राइवेट डिटेक्टिव का कॉल आता है और वो बताते हैं कि व्हीकल प्लेट नंबर असल में किम जो की पर्सनल कार का ही नंबर है, यानी मेन कल्प्रिट और कोई नहीं डिटेक्टिव किम जो ही होते हैं। तभी किम जो उस पर अटैक कर देता है।
अभी फिलहाल देहो को किम जो के बंदों ने बांध के रखा होता है। फिर किम जो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। इन शॉर्ट उसकी बेटी भी रेयर ब्लड ग्रुप से बिलोंग करती है और उसे एक बीमारी के कारण सेम ब्लड ग्रुप वाले डोनर की जरूरत होती है और वो पर्टिकुलर डोनर के लिए सबसे सही कैंडिडेट देहो का बेटा ही होता है। इसलिए वो उसका किडनैप करवाता है। सब कुछ प्लान ही चल रहा होता है बट फिर क्यांग वान का दिमाग फिर जाता है और वो बच्चे को किडनैप करने के बाद कहीं छुपा देता है और खुद भी कहीं गायब हो जाता है। एक दिन किम जो उसे ढूंढ लेता है लेकिन कार एक्सीडेंट के चलते वो कोमा में चला जाता है। उसके बाद बच्चा कहाँ है वो राज भी उसी के साथ कोमा में दफन हो जाता है। आगे किम जो बताता है कि अब चूंकि ड्रीम शेयरिंग भी की जा सकती है तो वो बच्चे का पता खुद ब खुद क्यांग वान के ड्रीम में जाके पूछ लेगा और अपना पूरा प्लान बताने के बाद वो गुंडों को दे हो को डपकाने का ऑर्डर देता है और खुद निकल पड़ता है अपना प्लान एग्जीक्यूट करने। खैर प्राइडे डिटेक्टिव की टीम मौके पे पहुंच के देहो की जान बचा लेती है। उसके बाद देहो भी निकल पड़ता है अपना प्लान एग्जीक्यूट करने। सो यंग वान की हेल्प से किम जो क्यांग वान के ड्रीम में एंटर होते हैं। मीनवाइल अपनी फ्रेंड की हेल्प से देहो भी सेम ड्रीम में एंटर हो जाता है। वही क्यांग वान की रियल लाइफ कंडीशन भी काफी क्रिटिकल होती है इसलिए ड्रीम का माहौल भी पूरा डिजास्टरस होता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्यांग वान नियर डेथ सिचुएशन में होता है। तो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजिंग पार्ट आता है वो ये कि इस समय देहो और किम जो दोनों ही क्यांग वान के ड्रीम में होते हैं बट वहाँ पे दो किम जो होते हैं जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली एक किम जो तो क्यांग वान की मेमोरी का पार्ट होता है और दूसरा किम जो रियल वर्ल्ड से बिलोंग करता है जो कि ड्रीम शेयरिंग के जरिए इस ड्रीम में एंटर किया होता है। तो इस समय उस ड्रीम में टोटल चार बंदे मौजूद होते हैं। फिर चारों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली देहो अपना इमोशनल टच देके क्यांग वान से अपने बेटे का अता पता निकलवाता है और फिर क्यांग वान भाई खुशी खुशी रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। तो शेयर ड्रीम्स के फर्स्ट रूल के मुताबिक अगर ड्रीम देखने वाला रियल वर्ल्ड में मर जाए तो ड्रीम शेयर करने वाले उसी ड्रीम में ट्रैप रह जाएंगे। उधर किम जो देहो को गोली मार देता है और चाइम बेल के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता है बट वो ये बात भूल गया होता है कि क्यांग वान मर चुका है और उसके मरने के साथ ही वे दोनों इस ड्रीम में ट्रैप हो गए हैं। बट अपना हीरो ने क्लासेस अच्छे से ली होती है। वो बखूबी जानता था कि शेयर ड्रीम से बाहर निकलने के लिए उसे अपने ब्रेन वेव्स को फोकस करते हुए डिसइंटीग्रेट करना होगा और वो चाइम बेल प्रेस करते समय ऐसा ही करता है। सो फाइनली देहो अकेले ड्रीम से बाहर आ जाता है बट किम जो हमेशा के लिए इसी ड्रीम में ट्रैप हो जाता है। खैर आखिरकार वो दिन शुभ घड़ी आ ही जाती है जिसके ऊपर ये पूरी मूवी बनी है। देहो फाइनली अपने बेटे से मिलता है। सो गाइज कैन यू इमेजिन दिस मूवी वॉज बॉक्स ऑफिस डिजास्टर। इस मूवी को वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप लिस्ट में एड किया गया है। वेल इस मूवी के फ्लॉप होने के पीछे कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल रीजन भी इन्वॉल्व थे, नहीं तो यार मूवी इतनी भी बुरी नहीं थी कि फ्लॉप हो जाए। तो गाइज वीडियो यहीं एंड होती है। होप सो हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो यार लाइक और शेयर सब्सक्राइब बटन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ब्यूटा को बी नॉट। थैंक यू सो मच गाइज।